अपना अपना नाम कमाने चला गया। मेरे साहब जी, अपने के बहुत बहुत स्वागत है करजना नगर पालिका के जे रेडियो गंगाचल 87.8 मेगाहर्ट्ज जे प्रसारित जे ऑनलाइन जे सब गोटा देख रहल छै, तै में अपने के बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद छै अपने के जी। मेरे साहब जी, एठम शिलान्यास जे के लिए अपने कथी के शिलान्यास के लिए खास कर के शिलान्यास आई के शिलान्यास जे भेल ग भर्ती सेंटर के वडा नंबर 4 छै करजना नगर पालिका के। और एल हमरा सब के लक्ष्य छै करजना नगर पालिका के जनप्रतिनिधि सब कार्यपालिका नगर सभा से अनुमोदन करेला चीज सब छै। हमरा सब जे पहिला के 4 गावी सब मिलकर नगर करजना नगर पालिका घोषणा भेल छै। करजना नगर पालिका में हमरा सब पुराना स्वास्थ्य चौकी छै, ओकरा सब के हम सब बर्थिंग सेंटर ने है ना परिणत करू, वही हिसाब के हम सब लक्ष्य बुक चुकल छी। ते में तत्काल हमरा सब के जगह जैलो उपलब्ध छै, जगह के जे मापदंड छै वही हिसाब से हमरा सब के वडा नंबर 8 में सेहो बर्थी सेंटर संचालन भ चुकल और वडा नंबर 4 में आई जे शिलान्यास भेल है। एहि इलाका बहुत प्रयास अगाड़ी गावी सब पाला से ने एहि इलाका बहुत लीडर नेता सब पहले के प्रधानपंच सब बहुत प्रयास केने रहे, लेकिन ओकर प्रयास अगाड़ी नहीं बढ़ सकल के। हमरा सब इहा संकेत सब पहला के बाद में भी इलाका जनता सब के गुनासो इलाका है ना जे स्वास्थ्य ने जे सुविधा हो सब भेटा चाहिए समाज के, विशेषता है ना हमरा सब के है ना माई बहन सब जे अहिले से जनकपुर जाए पड़े छे सुतकिरी करब के लागी, मिर्चिया जाए पड़े छे, गोल बाजार जाए पड़े छे, विराटनगर जाए पड़े छे, वही हिसाब से अहिले फुलकुमारी जे करजना में हमरा सब के फुलकुमारी हॉस्पिटल छे बेसी तो हमरा सब के वही ले देख ली जे है ना पैसा जे गरीब लोग सब के जे हिसाब से किसान सब के पैसा के जे डिमांड देख ली ओकरा सब के कि एकटा सुतकिरी करब के लागी करीब करीब 25,000 से ऊपर पैसा ओकरा सब के नॉर्मल डिलीवरी ने है ना खर्च हुआ जा रहा है। वही हिसाब से हम सब जे है ना करीब करीब 2-1.5 साल तक ओकरा सब के पैसा हम सब है ना जे सरकार के मापदंड अनुसार के जे सब पैसा पाबे छले वही हिसाब से है ना जे डाटा संकलन के लिए हम सब फुलकुमानी कदने कदी फर्जरी बिल सब से हम सब देख ली, जे सब सुतकिरी नहीं करेला व्यक्ति सब के भी फोन चेक के लिए हम सब तो सब खोटाम कोई भोजपुर अई हिसाब के काठमांडू के आदमी सब बोलल वो सब फुलकुमानी हॉस्पिटल देखनाऊ नहीं चाहिए हम सब। अई हिसाब के चीज सब हमरा सब के जब है ना बुझली हम सब तो कत नहीं कत जनता है ना जो डूम रहा है जनता के समस्या पड़ रहा है ते दुआरे ये पैसा हमार वो लगानी करी छी वही में जे लगानी करी छी ते से बढ़िया हमरा सब के जे पैसा के बचत करके हम सब जे भर्ती सेंटर ने है ना लगानी करूँ और वही हिसाब से समाज के सेवा करूँ हमरा सब के ते हिसाब से आई के शिलान्यास हमरा सब वडा नंबर 4 के मात्र नहीं अई भे के अई उत्तर बारी साइड के है ना संपूर्ण हमरा सब के माई बहन सब छै तकरा सब के सुतकेरी करबने है ना एकदम सजीलो होते हमरा सब उपकरण सहित के बजट एल छुटिया चकल छे। वही हिसाब से अकरा हमरा बहुत देख रहल छी कि स्वास्थ्य चौकी के बढ़ारा माल छले पहले ई अखनी के है ना करजना नगर पालिका 4 छै अइले कोनो ने कोनो रूप में देख रहल छी कि स्वास्थ्य चौकी के जीका एकर है ना संरचना देखा नहीं पड़ रहल छै, अकरा है ना बनरी सेहो हम सब एकटा करबे के लागि है ना डिसीजन ल चुकल छी, बनरी सेहो हेतै एकर अकर है ना शौचालय सब के सेहो सुधार सब हेतै। वही हिसाब से ई भवन जे स्वास्थ्य चौकी छै एकटा अइले भर्ती सेंटर बनलै छै एकटा हाईवे साइड नै छै हमरा सब की ये इलाका समाज है एकटा नीक ढंग से सेवा पबै वही हिसाब वही सोच के साथ करजना नगर पालिका गाड़ी बढ़ रहल छै से जानकारी करबै छै जी। मेरे साहब, अगर कुल बजट कतेक छै जनता जाना चाहिए? 50 लाख जी, उपकरण सहित के 50 लाख कुल बजट हम सब ओकरा छुटिया चुकल छी, अगर टेंडर लगा चुकल छी, टेंडर ल लेने छै ठेकेदार के नाम है ना पुरुषोत्तम शाह छै अखनी है ना ओकरा है ना जे काज के लागि है ना जे रमेश अहिलका बासिंदा छै ओकरा निक ढंग से काम करते समाज के लोग छै अब ओकरे समाज नै बनते अही ठाउँ नै बनते अही युवा सब है ना देश बनब के लागि भी हुनका सबके भेरी है ना अगाड़ी बढ़ रहल छै ओ सब तै दुआरे ई ढंगर से बनते से एकटा विश्वास लागि रहल छै जी। मेरे साहब जी, अंत में रेडियो गंगाजल 87.8 मेगाहर्ट्ज से संपूर्ण दर्शक इन सबके की संदेश देबा चाहबे अपने? हम संपूर्ण जना के जी अखनी के जे है ना भरखरे हमरा सबके है ना दू चरण ने होलियो अइ देश में भगल छै, आई 3 गते छै, 3 गते के पहाड़ी एरिया में होली छै और है ना 4 गते के काल्हि हमरा सबके ई है ना मध्य प्रदेश में अइ है ना जे होली सेहो छै तै दुआरे संपूर्ण जना के सबसे पहिने हुनका सबके जे है ना होली के शुभकामना दिए चाहै छी और सब जना के ई कह चाहै छी हम जे ई देश अभी के परिस्थिति में देश बहुत
संकटकालीन अवस्था में है, देश के संविधान खतरा में है, देश के संघीयता खतरा में है, देश में फिर से एक है ना दोसरो है ना स्थानीय स्थानीय चुनाव के मिति बैसाख 30 गते से भगल चले आई बेर के चुनाव हमरा सब ई कहबे जे संघीयता पसदर छे जे संघीयता के लागि है ना बाल बच्चा सब दान क के देश में राजतंत्र के अंत करके लोकतंत्र गणतंत्र स्थापना भेले ओई के लागि है ना एक चोटी फिर माओवादी केन्द्र के विजय करब के लागि सब जना के गोलाकार हंसवा दौरा ने छाप मार दिए के लागि हम सेहो वोट अही सबके मीडिया मार्फत जे संपूर्ण देशवासी के जे एक चोटी दू तिहाई के साथ माओवादी केन्द्र के विजय कराओ देश के है ना महार फेरते से विश्वास दिवस नमस्कार मेयर साहब जी धन्यवाद।